प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जे रिचर्ड गॉट का दावा है कि 95% प्रोबेबिलिटी है कि ह्यूमैनिटी अगले 7.8 मिलियन ईयर्स में विलुप्त हो जाएगी। उनके कंट्रोवर्शियल डूम्सडे आर्गुमेंट के अनुसार, जो तर्क देता है कि हम प्रोबेबली मानव इतिहास की आधी अवधि पहले ही जी चुके हैं। वहीं फिलोसोफर जॉन ए लेस्ली ने अगले 5 सेंचुरी में 30% रिस्क का अनुमान लगाया है। और फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इंस्टीट्यूट के 2008 के एक सर्वे में साल 2100 तक सुपर इंटेलिजेंस द्वारा विलुप्त होने की 5% संभावना का अनुमान लगाया गया था। और यदि हम ह्यूमन एक्सटिंक्शन का कारण समझें, तो ये मेनली 2 कारणों से हो सकता है, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल कॉजेस में हाई फर्टिलिटी रेट पैंडेमिक, सुपर वॉल्केनिक एरप्शन, एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट, नियर बाई सुपरनोवा या गामा रे बस्ट या एक्सट्रीम सोलर फ्लेयर की वजह से हो सकता है। वहीं एंथ्रोपोजेनिक, जिसका मतलब है कि कोई चीज जिसे मनुष्य द्वारा उत्पन्न या उत्पादित की गई हो, यानी मैनमेड रिस्क, इसमें क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल थर्मोन्यूक्लियर वॉर, बायोलॉजिकल वेपन्स, इकोलॉजिकल कोलैप्स, एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और सेल्फ रेप्लिकेटिंग नैनोबॉट्स शामिल हैं। एक्सपर्ट्स जनरली मानते हैं कि ह्यूमन एक्सटिंक्शन की वजह नेचुरल रिस्क से ज्यादा हम मनुष्यों से ही है। इसके पीछे का एम्पायरिकल एविडेंस ये है कि मानवता लगभग 2 लाख वर्षों से नेचुरल रिस्क के रिलेटिवली कांस्टेंट लेवल्स का सामना कर रही है। यदि ये रिस्क बहुत ज्यादा होता तो ये संभव नहीं है कि हम इतने लंबे समय तक जीवित रह पाते। वहीं एंथ्रोपोजेनिक रिस्क की बात करें तो परमाणु हथियारों के निर्माण के बाद से मानवता केवल 78 वर्षों से सर्वाइव कर रहे हैं और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। देखा जाए तो मानवता इस समय एक एंथ्रोपोजेनिक रिस्क पर है। आज इस वीडियो में हम मानव जाति के भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या मानव जाति भविष्य में विलुप्त होने से बच सकती है। सो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। इन्फोसिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। ह्यूमन हिस्ट्री में मानवता एक क्रूशियल मोमेंट में है। हम रैपिड चेंजेस का सामना कर रहे हैं जो हमें या तो एक अद्भुत भविष्य या विनाशकारी भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। आगे की चुनौतियां भारी लगती हैं, लेकिन हम एक उम्मीद में हैं। इस अनसर्टेनिटी के बावजूद ह्यूमैनिटी के फ्यूचर की 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला ये कि वर्स्ट केस सिनेरियो में, जहां एक भारी डिजास्टर के कारण सिविलाइजेशन नष्ट हो सकती है, इससे ह्यूमैनिटी कोलैप्स हो सकता है। या दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि हम एक्सटिंक्शन से बचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन प्रोग्रेस की अपर लिमिट तक पहुंच जाते हैं। और तीसरा पॉसिबिलिटी एक बेस्ट केस सिनेरियो है, जहां ह्यूमैनिटी अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचती है और पॉसिबली इसकी आबादी ट्रिलियंस तक बढ़ जाती है, या फिर पूरी तरह से अनइमेजिनेबल रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हमारे आगे के पॉसिबल फ्यूचर्स को समझने से हमें खतरों और अवसरों दोनों को देखने में मदद मिलती है, क्योंकि हम प्लैनेट अर्थ और खुद के लिए एक नए और अनप्रेडिक्टेबल युग में प्रवेश करते हैं। हमारे पूर्वज एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट्स, आइस एजेस, वोल्केनो इरप्शंस और डेडली प्लेग से बचे रहे हैं और हर बार एक नई ऊंचाइयों पर वापस लौटे हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा रिस्क अब नेचुरल वर्ल्ड से नहीं आते हैं, बल्कि हमारे अपने ही एक्शन से आते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स के आविष्कार के बाद से ह्यूमन कॉस्ट एक्सटिंक्शन का खतरा चिंताजनक रूप से बढ़ गया है। द फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट हमारे सर्वाइवल के लिए 4 मेन रिस्क को हाईलाइट करता है: न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज, बायोटेक्नोलॉजी और AI। परमाणु भंडार में कमी के बावजूद खतरा बना हुआ है, क्योंकि लगभग 10,000 वॉरहेड्स अभी भी अस्तित्व में हैं। सिर्फ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से ही नहीं, यहां तक कि इसका आफ्टर इफेक्ट भी विनाशकारी होता है। बड़े पैमाने पर परमाणु युद्ध से निकलने वाली राख प्लैनेट को अत्यधिक ठंडा कर सकती है और मैसिव कैजुअलिटीज का कारण बन सकती है, जो लगभग 63% आबादी का सफाया कर सकती है। करंटली हमारा प्लैनेट वर्ष 2100 तक लगभग 2.7 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने की राह पर है, जो 1 बिलियन से भी ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस कर सकता है। और वर्स्ट केस सिनेरियो में हम CO2 टिपिंग पॉइंट्स को ट्रिगर कर सकते हैं। इससे अगली कुछ सेंचुरीज में टेम्परेचर 12 डिग्री तक बढ़ जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी में भोजन की कमी और बीमारी जैसे प्रमुख संकटों को हल करने की क्षमता है, लेकिन इसमें इंटेंशनल मिसयूज का भी रिस्क है। लैब क्रिएटेड पैथोजन की रिलीज से
ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर की तुलना में मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन एक और रिस्क जिसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है, वो AI से है। ये पहला खतरा है जिससे हम चतुराई से आगे नहीं निकल पाएंगे। ये एक शक्तिशाली सहयोगी बन सकता है और मानवता को लाभ पहुंचा सकता है, या फिर ये अल्टीमेटली दुनिया के रिसोर्सेज के लिए हमसे कम्पीट कर सकता है और हमारे नियंत्रण से आगे निकल जाने पर खतरा पैदा कर सकता है और मानवता को अंधकार में धकेल सकता है। इन जोखिमों से निपटना हमारी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है, खासकर ये देखते हुए कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और नए खतरे सामने आ सकते हैं। हालांकि ट्रेजेडीज की पॉसिबिलिटीज के बावजूद ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी रिस्क हमारे टोटल एक्सटिंक्शन का कारण बनेगा। हमारी लार्ज पॉपुलेशन और वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन अन्य प्रजातियों की तुलना में एक्सटिंक्शन के खिलाफ रेजिलियंट है। हम मनुष्य पूरी पृथ्वी पर रहते हैं, गर्म रेगिस्तान से लेकर बर्फीली टुंड्रा तक और टाइनी रिमोट आइलैंड्स पर भी। ये आइसोलेटेड प्लेसेस ग्लोबल डिजास्टर की स्थिति में नेचुरल क्वारंटीन का काम कर सकते हैं। भले ही टोटल पॉपुलेशन का 99.9% लोग किसी डिजास्टर से नष्ट हो जाएं, फिर भी हम में से 80 लाख लोग बचे रहेंगे, जो कि अधिकांश मानव इतिहास की तुलना में ज्यादा है। ईयर 1346 और 1353 के बीच यूरोप में हुई ब्लैक डेथ नामक ब्यूबोनिक प्लेग ने यूरोप की आधी आबादी और विश्व स्तर पर 1/10 लोगों का सफाया कर दिया। लेकिन इसने मानव प्रगति को नहीं रोका और ठीक 200 साल बाद हमारे यहाँ वैज्ञानिक क्रांति हुई। अगर आज कुछ ऐसा ही हुआ तो ये हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को गड़बड़ा देगा। लेकिन जब तक हमारी बुनियादी ढांचा और ज्ञान बचा रहेगा, हम वापसी कर सकते हैं। हालांकि अगर हमने अपने इंडस्ट्रीज खो दिए और हंटिंग और गैदरिंग में वापस चले गए, तो पृथ्वी हम में से केवल 10 मिलियन लोगों का समर्थन कर सकती है, जैसा कि हजारों साल पहले हुआ था। सफलतापूर्वक शुरुआत करने के लिए हमें कम से कम 100 से 5000 सर्वाइवर्स की आवश्यकता होगी। इससे कम पर हमारे लिए उबरना असंभव हो सकता है। इसलिए सिर्फ एक बड़ी डिजास्टर से नहीं, बल्कि एक ही समय में होने वाली डिफरेंट डिजास्टर्स का कॉम्बिनेशन से हमें चिंता करने की जरूरत है, जो हमारे लिए चीजों को एक्चुअल में टफ बना सकता है। कुछ रिसर्चर्स ने कल्पना की कि मानवता को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए क्या कारण बन सकता है, और उन्होंने इसे 3 फेजेस में बांटा। इनिशियल फेज के दौरान वर्ल्ड वाइड वॉर्स और ग्लोबल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के कोलैप्स के कारण ह्यूमन पॉपुलेशन में अचानक गिरावट आएगी, और अगले चरण में अगले 200 वर्षों में दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। इसके बाद वो चरण आएगा जहां इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और ऊपर से एक मैसिव वोल्केनिक एरप्शन होगा, जिससे केवल कुछ ही लोग सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करेंगे। इसलिए हमारे लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को सिक्योर करने का सबसे अच्छा तरीका वो छलांग लगाना है जो किसी अन्य प्रजाति ने कभी नहीं लगाई है। हमें एक मल्टी प्लेनेटरी स्पीसीज बनना होगा। यदि हम एक ऐसी सिविलाइजेशन का निर्माण कर सकें जो दूसरे ग्रह पर जीवित रह सके, तो हमारे विलुप्त होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। लेकिन निश्चित रूप से हमारी समस्याएं अभी भी बनी रहेगी, और हम पृथ्वी से जितना दूर जाएंगे नए और अज्ञात खतरे होंगे। लेकिन लाभ जोखिम से अधिक है। एक स्टेबल इंटरप्लेनेटरी सोसाइटी का निर्माण एक लंबे और समृद्ध भविष्य की नींव रखेगी। सवाल ये उठता है, क्या हम एक उज्जवल भविष्य तक पहुंचने में सक्षम हैं, या क्या हम अपने चरम पर पहुंच चुके हैं? हम वास्तव में कितने दूर तक जा सकते हैं? इन थ्योरी ये संभव है कि हम बिना अधिक बदलाव से बस आगे बढ़ सकते हैं, डिजास्टर को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन बिग ट्रांसफॉर्मेशंस को भी चूक सकते हैं। देखा जाए तो स्थिर रहना केवल एक टेम्पररी फिक्स है। जल्द ही टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट में बदलाव हमें नई दिशाओं में धकेल देंगे। अगले कुछ लाख वर्षों में हमें सुपर वॉल्केनिक एरप्शंस और एक नए आइस एज से निपटना होगा। क्लाइमेट को एक्टिवली मैनेज किए बिना मैसिव ग्लेशियर्स नॉर्थ अमेरिका और यूरोप पर कहर बरपा सकते हैं। वहीं लगभग हर 27 मिलियन ईयर्स में पृथ्वी एक मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट से गुजरती है, जब सूरज गैलेक्सी के डेंस पार्ट से गुजरता है। और लगभग 1 बिलियन ईयर्स में सूरज की एक्सपेंशन से पृथ्वी पर टेम्परेचर जीवन के लिए बहुत अधिक गर्म हो जाएगा, जिससे हमारे महासागर उबल जाएंगे। इसलिए हमारी करंट सिविलाइजेशन डीप ट्रांसफॉर्मेशन के बिना इन डिजास्टर से नहीं बच पाएगी। एक विकल्प ये है कि पृथ्वी को अपना काम करने दिया जाए और दूसरे ग्रहों पर चला जाए।
ओनील सिलेंडर और बिशप रिंग्स जैसे सेल्फ सस्टेनिंग लार्ज स्पेस हैबिटेट्स, जो विशाल सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, वे 1 बिलियन से भी ज्यादा लोगों को होल्ड कर सकते हैं और लाखों वर्ग किलोमीटर में पर्याप्त भूमि प्रदान कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर्स मानव जाति के विकास में एक नई यात्रा शुरू करने में मानवता की मदद करेगा। अपने पूर्वजों की तुलना में हमने अविश्वसनीय शक्तियां हासिल कर ली हैं, जो उन्हें भगवान जैसी प्रेरित होंगी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आगे क्या होने वाला है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से टेक्नोलॉजी हर महत्वपूर्ण तरीके से हमारे जीवन में सुधार कर रही है। दुनिया भर में क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से कहीं बेहतर है। हालांकि हम शायद इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम अक्सर नेगेटिव सोचते हैं। फिर भी हम जो प्रगति कर रहे हैं वो अनडिनाइबल है। हम एक सस्टेनेबल सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। सोलार और विंड पावर जैसी रिन्यूएबल एनर्जी की लागत एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशन से अधिक तेजी से गिर रही है, जो अक्सर उन्हें फॉसिल फ्यूल्स की तुलना में सस्ता बनाती है। साथ ही AI और बायोटेक में एडवांसमेंट्स ह्यूमन वेलबींग को उस तरह से बढ़ाने में वादा कर रही है जो हमने पहले कभी नहीं देखा है। उदाहरण के लिए अल्फा फोल्ड जैसी प्रोजेक्ट्स डिजीज़ की स्ट्रक्चर्स की खोज कर रही हैं और मनुष्य द्वारा मैनेज की जा सकने वाली गति से कहीं तेजी से ट्रीटमेंट्स को डेवलप कर रही हैं। सिंगल जीन म्यूटेशंस के कारण 10,000 से भी ज्यादा बीमारियां होती हैं, लेकिन क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग टूल्स पोटेंशियली उन सभी को ठीक कर सकते हैं। ये पॉजिटिव ट्रेंड्स मानवीय क्षमता को कई गुना बढ़ा रही है। करेंटली हम पृथ्वी पर अब तक की सबसे हेल्दीएस्ट, वेल्दीएस्ट, मोस्ट एजुकेटेड और मोस्ट एडवांस्ड पॉपुलेशन है। यदि ये ट्रेंड जारी रहे तो हम अंगों को रीजनरेट करने, सभी बीमारियों को खत्म करने और यहाँ तक कि अपने जीवन काल को अनिश्चित काल तक बढ़ाने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। ये हमें मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन के कगार पर खड़ा करता है। इन रिमार्केबल एडवांसमेंट्स को अचीव करने के लिए हमें ऐसी तकनीकी सफलताओं की आवश्यकता है जो अकेले हमारे ह्यूमन माइंड्स द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली उपलब्धियों से परे हों। पहले से ही नासा मिशन हार्डवेयर को डिजाइन करने के लिए AI को यूज कर रहा है, जो ह्यूमन डिजाइन्स को एक सिग्निफिकेंट मार्जिन से पीछे छोड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी लड़ाई में महत्वपूर्ण क्लीनर बायोफ्यूल्स और ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स बनाने के लिए भी AI का उपयोग किया जा रहा है। और ये सिर्फ एक शुरुआत है। हम एक ऐसे इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन की शुरुआत देख रहे हैं जो मानवीय क्षमताओं से कहीं बेहतर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के निर्माण की ओर ले जा सकता है। ये सुपर इंटेलिजेंस उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है जिन्होंने लंबे समय से मानवता को परेशान कर रखा है। हालांकि ये सुनिश्चित करना कि ये ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइंड हों एक बड़ी और अभूतपूर्व चुनौती होगी। फिर भी ये एक महत्वपूर्ण कदम है, ना केवल अपार समृद्धि के लिए बल्कि मैलिशियस AIs के खतरे का मुकाबला करने के लिए भी। ह्यूमन एडवांसमेंट के लिए सुपर इंटेलिजेंस को सुरक्षित रूप से अलाइन करना टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। यदि हम मानवता की भलाई के लिए AI की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं तो हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं जिसके बारे में हमारे पूर्वजों ने शायद ही कभी सपना देखा होगा। बीमारी और भूख से मुक्त भविष्य, जहां बायोटेक्नोलॉजी क्लाइमेट को स्टेबलाइज करती है और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करती है। एक ऐसा भविष्य जहां क्लीन एनर्जी और AI साथ साथ काम करेंगे, जहां रॉकेटरी और मटेरियल साइंस में प्रगति हमें डिस्टेंट प्लैनेट्स और मून्स तक ले जाएगी, जो एक शानदार भविष्य की शुरुआत करेगी। यदि हमारी एनर्जी यूसेज अपनी करंट रेट से बढ़ता रहा तो हम इवेंचुअली पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली एनर्जी से अधिक एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम अगले 100 से 200 वर्षों में Type 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। और 3% एनुअल ग्रोथ रेट बनाए रखकर हम कुछ हजारों वर्षों में Type 2 सिविलाइजेशन बन सकते हैं, ऐसी सिविलाइजेशन जो सूर्य से सारी एनर्जी को यूज करने में सक्षम है। यदि ह्यूमैनिटी 5 बिलियन ईयर्स में सूर्य की मृत्यु तक जीवित रहती है तो ये लगभग 600 क्वाड्रिलियन लोगों की आबादी का समर्थन कर सकती है। इसके अलावा स्पेस को कॉलोनाइज करके हम पोटेंशियली और भी अधिक व्यक्तियों को अस्तित्व में ला सकते हैं, पॉसिबली अकेले मिल्की वे गैलेक्सी में 1,00,000,000,000,000 लोगों तक। हालांकि जैसे जैसे हम स्पेस और टाइम में विस्तार करते हैं, हमारी प्रजाति विविध तरीकों से विकसित होने की संभावना है। हम कई प्रजातियों में विभाजित हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक की परिवर्तन की अपनी क्षमता होगी। कुछ मशीनों के साथ मर्ज हो सकते हैं, एक नई हाइब्रिड स्पीसीज में इवॉल्व हो सकते हैं, जबकि अन्य प्योर बायोलॉजिकल बने रह सकते हैं। इसके अलावा
यदि हम कभी भी अपनी कॉन्शियसनेस को डिजिटाइज करते हैं तो ह्यूमन आइडेंटिटी काउंटलेस वेरिएशंस में विभाजित हो सकती है। जैसे जैसे हम एडवांस्ड बीइंग्स में इवॉल्व होते हैं, हमें एक बड़े प्रश्न का सामना करना पड़ेगा, ब्रह्मांड में हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है। एक ऑप्शन एंटायर यूनिवर्स को कोलोनाइज करना और उसे हमारी इच्छाओं के अनुसार एक नया आकार देना है, एक ऐसा लक्ष्य जिसमें खरबों वर्ष लग सकते हैं। लेकिन ये टास्क हमारे दूर के वंशजों के लिए हो सकता है, हमारे लिए नहीं। इसके बजाय हम एक अधिक व्यक्तिगत मिशन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो है हमारे होम प्लेनेट को बचाना। अर्थ को एक्सपेंडिंग सन से दूर शिफ्ट करके हम जीवन के अस्तित्व को अरबों वर्षों तक बढ़ा सकते हैं। इसमें चंद्रमा के फार साइड पर एक मैसिव काउंटरवेट का निर्माण शामिल होगा। ये प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलेगी। ये एक महान लक्ष्य है, हमारे द्वारा पहुंचाई गई क्षति की भरपाई करने का एक तरीका है, और ये सुनिश्चित करना है कि जीवन युगों युगों तक चलता रहे। केवल सबसे खराब स्थिति ही हमें पटरी से उतार सकती है। यदि हम उनसे बचते हैं तो हम जीवन के एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं, जो पृथ्वी से कहीं आगे तक पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। हमारा इतिहास हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है, वो ये कि मानव जाति को कभी कम मत समझो। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।